आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। तीज के रंग में रंगी सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी। सुमन सैनी ने करनाल के डीएवी वुमेन कॉलेज में तीज से एक दिन पहले आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची और वहां हरियाणवी गीत पर जमकर डांस किया और साथ ही हरियाणवी गीत भी गाए। देश भर में तीज का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है और हरियाणा में तो इसका एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। करनाल के डीएवी वुमेन कॉलेज में तीज से एक दिन पहले आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने भी भाग लिया। उनके साथ इस कार्यक्रम में पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में डांस प्रोग्राम के साथ कई तरह के सांस्कृतिक परंपराओं को भी निभाया गया। सुमन सैनी ने यहाँ हरियाणवी गीत पर जमकर डांस किया और साथ ही हरियाणवी गीत भी गाए। सभी के साथ मैंने तीज का आनंद लिया। संगीत के कार्यक्रम के बाद सीएम की पत्नी सुमन सैनी ने झूले का आनंद भी लिया। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने कहा, वैसे तो तीज का पर्व कल है लेकिन हरियाणा में एक सप्ताह पहले से ही तीज के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इसी पर्व में शामिल होने आज मैं करनाल आई हूँ। यहाँ सभी के साथ मैंने तीज का आनंद लिया। उन्होंने पूरे राज्य की महिलाओं को तीज की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व भगवान शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह सभी का सुहाग बनाए रखें। हरियाणा के कल्चर पर बोलते हुए सुमन सैनी ने कहा कि तीज एक ऐसा पर्व है जो आने वाली पीढ़ियों को हमारे कल्चर के बारे में जागरूक करता भी है और किया भी है और आगे भी करेगा, जिससे यह परंपरा आगे बढ़ेगी। सबसे खास बात यह है कि इस पर्व में बहनों के मायके से पोथली आती है। ऐसी मान्यता है कि तीज में सास और बहू एक साथ नहीं रहती हैं। जिन महिलाओं की शादी के बाद पहली तीज है, वह अपने मायके में यह पर्व मनाएंगी। इस अवसर पर पूर्व मेयर रेणु बाला ने कहा, यह पर्व सुहाग का प्रतीक है, बहनें इसमें प्रकृति का आनंद लेती हैं।